हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 18 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मैं अनअकैडमी ऐप पर आपका एक एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें और डेली नए नए वीडियो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्राप्त करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। कमांडोज ऑफ द प्रीमियर काउंटर टेरर फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG क्रिएटेड हिस्ट्री एज दे स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इन दियर मेडन अटेम्प्ट। ए 7-member टीम ऑफ NSG लेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल JP कुमार सक्सेसफुली अनफर्ल्ड द इंडियन फ्लैग एट द 8,848 meter टॉल पीक। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख आतंकवाद रोधी बल के कमांडो ने अपने पहले ही प्रयास में माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई करके इतिहास रचा। लेफ्टिनेंट कर्नल JP कुमार के नेतृत्व में NSG की 7-सदस्य टीम ने सफलतापूर्वक 8,848 meter ऊंची चोटी पर पहुंचकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। यह माउंट एवरेस्ट पर NSG का पहला अभियान है और बल इसके लिए 2017 से तैयारी कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज रोल्ड आउट ए मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम फ्रॉम विच फॉरेनर्स इंक्लूडिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स एंड स्किल्ड वर्कर्स वेटिंग टू गेट ग्रीन कार्ड और परमानेंट लीगल रेजिडेंसी स्टैंड टू बेनिफिट। एज पर द प्रपोज्ड सिस्टम, परमानेंट लीगल रेजिडेंसी वुड बी गिवन बेस्ड ऑन पॉइंट्स फॉर देयर एज, नॉलेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सिविक सेंस। द प्रपोजल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कोटा फॉर स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नियरली 12% टू 57%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेरिट आधारित आप्रवासन प्रणाली की शुरुआत की है, जिसमें विदेशियों सहित सैकड़ों और हजारों भारतीय पेशेवरों और कुशल श्रमिकों को ग्रीन कार्ड या स्थायी वैध निवास का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने इसकी घोषणा रोज गार्डन में अपने भाषण के दौरान की। प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत स्थायी वैध निवास का लाभ उन्हें उनकी उम्र, ज्ञान, नौकरी के अवसरों और नागरिक संवेदना के आधार पर प्रदान किया जाएगा। प्रस्ताव में उल्लेखनीय रूप से कुशल श्रमिकों के लिए कोटा लगभग मौजूद 12% से 57% तक बढ़ाए। नेक्स्ट, ताइवान हैज अप्रूव्ड ए बिल लीगलाइजिंग सेक्स मैरिज, ए लैंडमार्क डिसीजन दैट मेक्स द सेल्फ रूल्ड आइसलैंड द फर्स्ट प्लेस इन एशिया टू पास गे मैरिज लेजिस्लेशन। द सक्सेसफुल बिल इंक्लूड डेड लिमिटेड अडॉप्शन राइट्स फॉर सेम सेक्स कपल्स। ताइवान ने समलैंगिक विवाह कानून को पारित करते हुए स्वशासित द्वीप को एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाले पहला स्थान बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है। सफल विधेयक में समान लिंग वाले जोड़ों के लिए सीमित गोद लेने के अधिकार शामिल हैं। नेक्स्ट, द सऊदी गवर्नमेंट हैज अप्रूव फॉर द फर्स्ट टाइम ए स्कीम दैट गिव्स परमानेंट रेजिडेंसी टू सर्टेन एक्सपर्टीज अलाउविंग देम टू ओन रियल इस्टेट इन द किंगडम एंड रेसिडाई विद दियर फैमिलीज विदाउट ए सऊदी स्पॉन्सर। द प्रिविलीगल इकामा सिस्टम विल ऑफर ए परमानेंट रेजिडेंस स्कीम एंड वन दैट कैन बी रिन्यूड एनुअली टू हाईली स्किल्ड एक्सपर्टाइज एंड ऑनर्स ऑफ कैपिटल फंड्स। सऊदी सरकार ने पहली बार एक ऐसा योजना को मंजूरी दी है जो कुछ प्रवासियों को स्थायी निवास देती है, जिससे उन्हें राज्य में अचल संपत्ति प्राप्त करने और सऊदी प्रायोजक के बिना अपने परिवारों के साथ रहने की अनुमति मिलती है। प्रिविलेज इकामा प्रणाली एक स्थायी निवास योजना की पेशकश करेगी
और इससे अत्यधिक कुशल प्रवासियों और पूंजीगत धन के मालिकों को प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज अपॉइंटेड नितिन चुग एज इट्स नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम दिसंबर 1, 2019। बैंक्स करंट एमडी एंड सीईओ समित घोष इज रिटायरिंग ऑन नवंबर 30, 2019। द बैंक हैज रिसीव्ड द अप्रूवल ऑफ इट्स एप्लीकेशन फॉर चुग्स अपॉइंटमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 दिसंबर 2019 से नितिन चुग को अपना अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ समित घोष 30 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बैंक ने चुग की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अपने आवेदन की स्वीकृति प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट, जेफरी रोशन वाज कन्फर्ड एज द यूनाइटेड स्टेट्स लेटेस्ट डिप्टी अटॉर्नी जनरल बाय द यूएस सीनेट आफ्टर हिज प्रेसिडेंसर रॉड रोसेनस्टीन लेफ्ट द डिपार्टमेंट। रॉड रोसेनस्टीन के विभाग छोड़ने के बाद अमेरिकी सीनेट द्वारा जेफरी रोसेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के नवीनतम डिप्टी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं बिजनेस न्यूज व्यापार समाचार की। तो IBM इंडिया हैज टाइड अप विद HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन द प्राइवेट सेक्टर, टू कॉर्पोरेट को क्रिएट न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड सॉल्यूशंस। IBM इंडिया ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित समाधानों का सह निर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र में भारत के तीसरे सबसे बड़े गैर जीवन बीमा प्रदाता HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। और नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की बात की जाए तो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज BSE हैज लॉन्च्ड BSE स्टार MF ऐप टू इनेबल मोर पार्टिसिपेशन एंड हेल्प म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोसेस ट्रांजेक्शन फास्टर। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE ने अधिक भागीदारी को सक्षम करने और म्यूचुअल फंड वितरकों को लेन देन की प्रक्रिया में तेजी से मदद करने के लिए BSE स्टार MF ऐप लॉन्च किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।